हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मखाने की खीर, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। ये और ये एक व्रत रेसिपी है। यहाँ पर गैस पे मैंने पैन रख लिया है और 2 चम्मच देसी घी इसमें ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो 1 चम्मच और ऐड कर सकते हैं घी। और यहाँ पर मैंने 10 से 15 काजू हैं, जिन्हें चाकू से आधा कट कर लिया है और इन्हें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, जब तक कि इनका कलर कुछ चेंज ना हो जाए। ये देखिए, इनका कलर चेंज होने लगा है। बस हमें इन्हें इतना ही भूनना है और अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में। और फ्रेंड्स, मखाने की खीर बहुत ही हेल्दी भी रहती है। और यहाँ पर मैंने 10 से 15 किशमिश ली हैं, इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। सभी चीज़ों को जब हम फ्राई करते हैं उसके बाद खीर बनाते हैं तो वो बहुत ही टेस्टी खीर बनती है। आप एक बार इस तरीके से भी ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। ये देखिए, किशमिश भी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे। ये देखिए, कितने अच्छे से ये फूल चुकी थी। और इनको भी निकाल लिया है। और इस बचे हुए घी में अब हम मखाने फ्राई करेंगे। तो आप जितने मखाने की खीर बनाना चाहती हैं उतने मखाने ले सकते हैं। और अब हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे चलाते हुए तरीके से फ्राई करेंगे, हल्का सा इनका कलर चेंज होने तक और ये क्रिस्पी होने तक। ये देखिए, आप खुद देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है। और ये देखिए, कितने अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। अब हम गैस पे पैन रखेंगे वापस से और यहाँ पर मिल्क ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 ग्लास मिल्क ऐड कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे, गाढ़ा होने तक। ये देखिए, और इस तरीके से मलाई भी हटाते रहेंगे। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, गाढ़ी गाढ़ी मलाई खीर में जब आएगी ये। और इसे अब हम मखाने मिक्सी जार में डाल लेंगे और हल्के से ग्राइंड करेंगे, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करेंगे। ये देखिए, हल्के दरदरे से किए हैं। इसमें थोड़े से मखाने साबुत भी रह गए और थोड़े बारीक भी पिस गए हैं, तो हल्का दरदरा किया है मैंने इन्हें, बिल्कुल बारीक नहीं किया। तो ये देखिए, हमारे मखाने पिसे हुए तैयार हैं। इसमें कुछ साबुत भी हैं, कटे हुए पिस्ता भी लिए हैं और जो फ्राई की थी किशमिश, फ्राई किए थे काजू और थोड़ी सी चीनी टेस्ट अकॉर्डिंग। ये देखिए, दूध जो है कितना गाढ़ा हो चुका है, अब आप खुद देख सकते हैं कम भी हो गया है पैन में। अब हम इसमें जो हमने मखाने ग्राइंड किए हैं उसको ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। चलाते हुए ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और लगभग 2 मिनट तक इसको, 2 से 3 मिनट तक बॉईल होने देंगे ताकि मखाने भी अच्छे से पक जाएं। अब हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे और
काजू ऐड करेंगे, आप चाहे तो इसमें बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पिस्ता भी ऐड करेंगे और बाकी हम गार्निश करते समय ऐड करेंगे जब हम सर्व करेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर लेंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, हल्का मीठा या तेज़ मीठा, जैसा आपको खीर खाना पसंद हो। जितनी मीठी उतने आप ऐड कर सकते हैं और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी देर पकने देंगे और ये देखिए कलर चेंज भी हो गया है और कितनी टेस्टी खीर तैयार है, यम्मी सी। तो कैसा लगा आपको वीडियो? सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए।